हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया के पोर्ट्स के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडिया के कुछ पोर्ट्स हैं, उनमें है एक कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, फिर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है, मार्मा गोवा, ये गोवा में है, न्यू मंगलोर, ये कर्नाटका में है, कोची पोर्ट, ये है केरला में। ये सारे के सारे पोर्ट्स जो भी हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट है, यानी पश्चिमी तट के पत्तन है। इसके अलावा तुतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु में, चेन्नई पत्तन ये भी तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा और हल्दिया वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये सारे पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा कांडला पोर्ट गुजरात में है और ये एक टाइडल पोर्ट है, यानी ज्वारीय पत्तन है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है और ये बिगेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर्स है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये है महाराष्ट्र में और ये दी कॉन्गेस्ट मुंबई पोर्ट है। फिर है मार्मा गोवा, ये गोवा में है और ये मेजर आयरन ओर एक्सपोर्ट पोर्ट है, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर पत्तन ये कर्नाटका में है और ये भी मेजर आयरन और एक्सपोर्ट पोर्ट है, लौह अयस्क का इस पत्तन से भी निर्यात किया जाता है। फिर है कोची पोर्ट, ये केरला में है, ये भी ये नेचुरल हार्बर है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है और ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है और ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। लैंड लॉक्ड यानी भूबद्ध है, चारों तरफ से ये जमीन से भूमि से घिरा हुआ है। फिर है पारादीप पत्तन ओडिशा में है और ये मेजर आयरन और एक्सपोर्ट पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है और ये दी कॉन्गेस्ट कोलकाता पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है और ये रिवराइन पोर्ट है, लोकेटेड ऑन हुगली रिवर। आई होप आपने सारे पोर्ट्स के नाम और इनके लोकेशंस को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट, मुंबई पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कांडला पोर्ट एक ज्वारीय पत्तन है और ये गुजरात में है। इसके अलावा पारादीप पोर्ट ओडिशा में है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है और मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पूर्वी तट पर है? तो ऑप्शन है कांडला पत्तन, चेन्नई पोर्ट, कोच्ची और मुंबई पोर्ट। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई पोर्ट। इसका आंसर है चेन्नई पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये हमारे ईस्ट कोस्ट में है, पूर्वी तट पर है, ये है चेन्नई पोर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है मार्मा गोवा, पारादीप, न्यू मंगलोर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, मार्मा गोवा, पारादीप और न्यू मंगलोर। ये आयरन ओर एक्सपोर्ट है। मार्मा गोवा गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है और न्यू मंगलोर कर्नाटका में है, इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन नदी तटीय पत्तन या रिवराइन पोर्ट है?
ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी कोच्चि। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि एक रिवराइन पत्तन है जो कि वेस्ट बंगाल में है और ये हुगली रिवर पे लोकेटेड है। और ये जो है पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द रिवर, ये नदी के किनारे है। और दीज आर सेपरेट फ्रॉम सी पोर्ट्स, दीज आर यूजुअली फ्रेश वाटर पोर्ट। जो नदी तटीय पत्तन होते हैं वो क्या होते हैं कि समुद्र तट से अलग होते हैं और ये इसके किनारे जो पानी पाया जाता है वो मीठा जल होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक बंदरगाह वाला पत्तन है, कांडला, कोच्चि, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, कांडला और कोच्चि दोनों ही प्राकृतिक पत्तन है और ये दोनों ही कांडला और कोच्चि दोनों पूर्वी तट का बंदरगाह है। फिर है पूर्वी तटीय बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है और कोलकाता, विशाखापत्तनम, पारादीप और तुतीकोरिन, इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको सजाना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 1 3 2 4 एंड डी है 6 2 3 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, यानी कि पूर्वी तट से उत्तर से दक्षिण के क्रम में होगा सबसे पहले ए यानी कि कोलकाता, फिर उसके बाद पारादीप, फिर विशाखापत्तनम, फिर होगा तुतीकोरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन डीपेस्ट लैंडलॉक पत्तन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, मार्मागोवा, चेन्नई, पारादीप एंड हल्दिया, इसका राइट आंसर होगा मार्मागोवा, ये पश्चिमी तट पर है। अब हम जान लेते हैं डिटेल में कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से पत्तन हैं। तो पश्चिमी तटीय पत्तन का उत्तर से दक्षिण में क्रम है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर और कोच्चि। पूर्वी तटीय पत्तन का उत्तर से दक्षिण के क्रम में है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और तुतीकोरिन। एक बार फिर वापस से हम मैथ